अरे भाई निमंत्रण के कोई के बेटा के ब्याह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण को जो देगा वो नहीं दिया था, हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है, न्योता की क्या जरूरत है। वो न्योता क्यों दे रहे हैं, किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है, अब बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है, वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने अयोध्या के निमंत्रण मामले पर विवादित बयान को लेकर चारों तरफ निंदा हो रही है। अखिल भारतीय परिषद कार्यकर्ताओं ने नालंदा कॉलेज परिसर में सांसद कौशलेंद्र कुमार का पुतला जलाया। बताते चले कि यह वही जगह है जहां जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने शुक्रवार को राम मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण नहीं मिलने के सवाल पर कहा था कि किसी का बाप का श्राद्ध है या बेटा बेटी पत्नी की शादी है जो निमंत्रण देगा, निमंत्रण देने वाला बेवकूफ है। सांसद के इस बयान से राम भक्तों में काफी उबाल है। यही कारण है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने ठीक उसी जगह पहुंचा और पहले गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया और फिर सांसद कौशलेंद्र कुमार का पुतला जलाया। हालांकि सांसद द्वारा हिंदू विरोधी बयान पूर्व भी दिया गया था, उन्होंने बजरंग दल पर वैन लगाने की बात कही थी जिसके कारण इसकी काफी किरकिरी हुई थी। उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना कर सनातन धर्म को मानने वाले को खुश करने आए प्रयास किया गया। बता दें कि मगर इस बार फिर से विवादित बयान में देकर वह एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। निधि सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। राम भक्तों से माफी मांगनी होगी। विद्यार्थी परिषद के द्वारा नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी का पुतला दहन किया गया और आप देख रहे होंगे ये इस कॉलेज के पूरे छात्र छात्रा सभी लोग ये हतोत्साहित हैं कि हमने जिनको अपने वोट देकर जिताया आज हमारे धर्म हमारे आस्था लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये घड़ी यह पल आया है कि अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उस घड़ी को नालंदा के सांसद नालंदा के सभी छात्र युवा सभी वर्ग के लोगों को एक मानसिक पीड़ा हुई है। जिस तरह के बयानबाजी उन्होंने कल किया है उसी के विरोध में आज नालंदा के सांसद का पुतला दहन किया जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यह श्राद्ध एक तरह से किया जा रहा है इसमें निमंत्रण का क्या जरूरत है, तो हम कहना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में यही नालंदा के युवा यही छात्र आपको इस कुर्सी से हटाने का काम करेंगे जिस तरह से आपको यहाँ के युवा कुर्सी बैठाने का काम किए और हम भूमिकरण किया गया। हाँ, आज यहाँ जिस तरह से उन्होंने यहाँ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था उसके लिए हम लोग आज गंगा जल से शुद्ध भी किए हैं। यह दुष्ट रावण व्यक्ति जिस तरह कॉलेज में आकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं बहुत सारे छात्र युवाओं को मानसिक पीड़ा हुई है और हम कहना चाहते हैं श्री राम भगवान से भी हम प्रार्थना करते हैं कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी को सद्बुद्धि दे और हमारे धर्म के आस्था राम भगवान को जिन्होंने उन्होंने आरोप लगाया है अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। क्या नाम होगा? सज्जन कुमार विद्यार्थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। अरे भाई निमंत्रण के कोई के बेटा के ब्याह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण को जो देगा वो नहीं दिया था, हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है, न्योता की क्या जरूरत है। वो न्योता क्यों दे रहे हैं, किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है, अब बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है, वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। अभी अयोध्या में बुलावा जो आ रहा है वो बुला रहे हैं, भगवान राम का पूजा एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है, सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को वैसे लोग आवे पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। निश्चित मान लीजिए कि सीता का अगर कोई अपमान कर रहा है तो वह आदमी 2024 में आने वाला नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के द्वारा सर बिना बैठक के ही सीतामढ़ी में और अरुणाचल प्रदेश में एमपी कैंडिडेट घोषित कर दिया, क्या कहेंगे इस पे? अभी तो नेता का बात है भाई, नेता लोग के हमको आइडिया नहीं। बीजेपी सर बयान दे रही है, कह रही है कि बीजेपी का मतलब
हमारे पार्टी के नेता गठबंधन एक नहीं कह रही है सर। नहीं तो गठबंधन वो कह सकती है, लेकिन हम लोग तो अभी हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस में है। और नीतीश कुमार जो काम करते हैं ना, उनका जो एजेंडा होता है उस एजेंडे पर अलायंस होता है। आज इंडिया अलायंस है, उसके पहले हम लोग एनडीए में भी थे, प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग काम किए हैं। तो हमारा जो नेता का विजन है उस विजन के साथ रहिएगा तो काम चलेगा, ऐसे थोड़े काम चलेगा। क्या लग रहा है कि खरमास को लेकर संयोजक अभी तक नहीं बनाया जा रहा है सर? नहीं देखिए, अब ये सब तो ऊपर के नेता लोग जाने, लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि हमारे नेता में सारी विद्वता है, आज नहीं तो कल संयोजक भी होंगे, देश का प्रधानमंत्री भी होंगे, ये मुझे भरोसा।